हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नलिनी एक्सप्लोर्स। में आज देखिए मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। मिट्टी का वाटर बॉटल हम ओल्डन टाइम्स में यूज़ करते थे, मिट्टी के पॉट्स। एंड अभी देखिए बॉटल्स आ गए हैं, और भी इजी वे यूज़ करने के लिए। इसे जब आप लेके आओगे फर्स्ट टाइम, आपको क्या करना है, इसमें वाटर फिल करके आपको एक छोटे से बकेट में, जैसे बॉटल उसमें डिप हो कंप्लीट, 1 to 2 days आपको रखना है डेली वाटर चेंज करके। मिट्टी का है तो वाटर सोक करेगा इसीलिए। फिर उसके बाद 2 days के बाद आप उसे बाहर से क्लीन करें, स्क्रब करें, ताकि मिट्टी रहेगा वो निकल जाए। एंड अंदर भी पानी आपको 2-3 times आप सर्फ या कोई लिक्विड डाल के क्लीन ना करें, इसे नॉर्मल क्लीन करना है आपको। 2 days आप सोक करके रखोगे, 1.5-2 days नेक्स्ट टाइम आप इमिडिएटली यूज़ कर सकते हैं इसे। जब आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करोगे, every 2-3 days में आपको बॉटल क्लीन करना है, डिटर्जेंट के साथ नहीं। वार्म वाटर आप डाल के इसे क्लीन करिए एंड ऊपर से हल्का सा स्क्रब करिए, बस उसी का उतना ही क्लीनिंग प्रोसेस है, डिटर्जेंट कोई यूज़ नहीं करना है इसमें। अभी इसके बेनिफिट्स, ये मिट्टी का बॉटल है, द बेस्ट है हमारे लिए। अभी समर फ्रिज के वाटर यूज़ नहीं करना है, प्लास्टिक बॉटल्स। ये इस पॉट में यूज़ किया हुआ वाटर हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है, एंड जो हमें थ्रोट पेन इन्फेक्शंस होते हैं उससे, ये नेचुरल कूलिंग है इसमें, तो आपको उसका टेस्ट भी डिफरेंट है एंड आपके हेल्थ वाइज भी बेनिफिट्स है। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि मिट्टी के बर्तन में जो खाना बोले पानी बेस्ट है यूज़ करना। और दी मेन रीज़न ये है, जब भी हम बाहर धूप से आते हैं तुरंत हमें पानी नहीं पीना बोलते हैं, लेकिन मटके का पानी पी सकते हैं हम, क्योंकि इसमें नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है, जो टेम्परेचर नॉर्मल क्लाइमेट के हिसाब से कंट्रोल होता है इसमें, तो इससे हमें कोई हानि नहीं है। मटके का पानी हम कभी भी पी सकते हैं। हम बोलते हैं कि धूप से आके फ्रिज का पानी ऐसे नहीं पीना है, लेकिन ये नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है इसमें। जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जो एसिडिटी से पिंच होता है ना, पेन, वो भी इससे हील होता है। एंड आपके थ्रोट में भी बहुत ही सॉफ्ट, इसका कोल्ड एंड कफ के समय में भी आप इस मटके का पानी पी सकते हो। मिट्टी का बॉटल मटके का पानी आप यूज़ कर सकते हो। एक और बात आप ध्यान रखें, अगर आप पानी इसमें 2-3 days स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा अगर उसमें रह गया है तो आप उसे पानी चेंज कर दीजिए, वो यूज़ नहीं करना है आपको। 3 days तक ओके, उसके बाद आपको इसे धो के फिर से फिल करना है। अभी वायरस भी है, कंप्लीट फ्रिज वाटर स्किप कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।